रिएक्ट so, करता है और ये आपको आ, देता है थ्री डिग्री एल्काइल हेलाइट दैट इज फॉर्म इमीजिएटली एकदम से वो बन जाता है सो इट मीन्स द एल्कोहल इज थ्री डिग्री एंड इफ इट इज अंड इफ इट इज अ टू डिग्री एल्कोहल सो so, अगर आप टू डिग्री एल्कोहल को ल्यूकाज रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा एच सी एल और जिंक क्लोराइड इज द ल्यूकाज रिएजेंट तो जो आपकी टर्बिडिटी है उसको फाइव मिनट्स लगेंगे थ्री टू फाइव मिनट्स लगेंगे आने के लिए टू डिग्री हेलाइट जो बनता है टर्बिडिटी उसकी वजह से आती है जो आपका टू डिग्री हेलाइट बनता है तो इट टेक्स टू टू फाइव मिनट्स फॉर द टर्बिडिटी टू अपियर मीनस टू डिग्री हेलाइट बनने को थ्री टू फाइव मिनट्स बनते हैं बट फॉर वन डिग्री एल्कोहल नो टर्बिडिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में वन डिग्री एल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है अगर आपको इसका रिएक्शन करवाना ही है तो यू हैव विल हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तब भी इट टेक्स ऑलमोस्ट थर्टी मिनट फॉर द रिएक्शन टू अकर आधा घंटा लग जाता है रिएक्शन को होने में So in this way, so order of reactivity with Lucas reagent is three degrees more reactive than two degree, then it is more reactive than one degree. Now the mechanism of the reaction, ROH means alcohol and zinc chloride. Zinc chloride here it acts as a Lewis acid. Lewis acid, it act because it will accept the electrons. सो so, ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें जिंक क्लोराइड जो है वो लुइस एसिड की तरह एक्ट करेगा और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये फास्ट स्टेप है देर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट ये देखो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के साथ जिंक क्लोराइड अटैच है बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स तो इसपे नेगेटिव चार्ज आ गया है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दे रही है तो इसपे पॉजिटिव चार्ज है दिस इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड देन द नेक्स्ट फैक्टर देन नेक्स्ट Uh, जो स्टेप ऑफ द रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप है एंड दिस स्टेप इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट तो इसमें क्लीवेज हो जाएगी राइट right? ऑक्सीजन है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है दिस इज अनस्टेबल तो इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर एंड वी गेट आर पॉजिटिव विच इज अ कार्बोकेटाइन प्लस दिस इज दिस इज द दर स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड

Uh, when a three degree carbocation is formed, turbidity appears immediately. Immediately, there is formation of three degree halide. Then next we have is what happens. Then this carbocation it reacts with the intermediate, cho, uh, sorry, the species, negative species, to is zinc chloride ki hai. And what will happen here? Here. देयर इज क्लोराइड आइन क्लोराइड आइन इट विल अटैच विद आर एंड यहाँ पे जो एच पॉजिटिव है एच सी एल और जिंक के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं दैट इज वाई एच सी एल इज देयर अभी तक है इसमें तो सीएल जो है उसका वो तो आर के साथ अटैच हो जाएगा जो एच पॉजिटिव है इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वॉटर एंड देन वॉट वी गेट इज अलॉन्ग विदेयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड इट विल amount of the reaction. So this is the uh, reaction here. And this formation of RCL that is fastest in 3 degree. are the fast 3 degree me for 3 degree uh, carbocation. For 3 degree species, it is fastest because 3 degree carbocation is the मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन इट इज स्लो स्लोएस्ट इट टेक प्लेस ये तभी होती है अगर आप रिएक्शन को इफ यू गिव अट ऑफ टेम्परेचर उसको हीट प्रोवाइड करते हैं वो भी तब होगी वो भी इट विल टेक प्लेस आफ्टर हाफ एन आवर मोर देन हाफ एन आवर थोड़ी टर्बिडिटी आती है ना वन मोर थिंग यू कैन सी दिस स्पीस दिस इज विच एल्कोहल दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एल्कोहल यू कैन सी कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ओएच OH, वो एक दिस इज दिस ये तो एक साइन है जैसे दिस इज इज डिग्री डिग्री बिकॉज कार्बन के साथ एक कर, जो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है तो ये वन डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है अब इस वाले में द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ गुड रेट इसमें रिएक्शन होती है एट नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप बोलेंगे ये प्राइमरी एल्कोहल है फिर इसमें क्यों रिएक्शन होता है द रीजन इज कि जब हम ओ OH एच से रिमूव करते हैं जो ओ एच जब क्लीव होता है तो ये जो स्पीसीज बनती है दिस सी एच टू ये स्टेबिलाईज कार्बोकेटाइन है दिस इज अबाइल कार्बोकेटाइन एंड दिस बेनजाइल कार्बोकेटाइन इज दिस इज बेंजाइल एल्कोहल दिस इज बेन्जाइल कार्बोकेटाइन एंड बेन्जाइल कार्बोकेटाइन इज रेजोनेस स्टेबलाइज ठीक, दिस इज रेजोनेंस स्टेबल में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है तो दैट इज वाई इट इंस्टेंटली रिएक्ट विद एच सी एल यू ऑल यू रिएजेंट एंड इट फॉर्म्स द एल्काइल बेंजाइल क्लोराइड जो बन, इट फॉर्म्स बेंजाइल क्लोराइड दिस कार्बोटाइन इज स्टेबल नाउ यू कैन सी दिस फिनोल फिनोल इट डज नॉट रिएक्ट विथ रिएजेंट बिकॉज इसमें क्या होगा इसमें आप OH रिमूव कर दीजिए तो इसमें क्या होगा फिनाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया जाएगा तो दिस इज नॉट स्टेबल नो दिस इज नॉट अ एच फाइव पॉजिटिव से स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है सो हियर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर द रिएक्शन टेक टेक्स प्लेस बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल इन नेचर थैंक यू